तो सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, धीमे आज आवाज़ थोड़ी सी होगी मेरी, ठीक है। सबसे पहला है ना, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस। तो जितना भी हमने पढ़ा है ना अभी तक, हेलोलकेन्स का प्रिपरेशन, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ वगैरह और भी जो चीज़ें पढ़ी हैं उसके बेस पे हम लोग बात करेंगे। तो कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग लेकर बात कर रहे हैं कि किस तरीके से क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जी, बुक की तो हालत ख़राब हो चुकी है पूरी। सो पहला क्वेश्चन मेरे पास है जिसको आप देखो, ये एक अल्कोहल बनाया हुआ है इसने, एक अल्कोहल मेरे पास है एंड रिएक्शन हो रही है SOCl2 से, थायोनिल क्लोराइड से, ठीक है। कर चुके हैं हम लोग ऐसा रिएक्शन, पढ़ चुके हैं पहले, ठीक है। नेक्स्ट मुझसे बोल रहा है इस तरीके से एक बेंजीन रिंग बनी हुई है, आप देखो, है ना। फिर मेरे पास है CH2, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2 एंड HBr। बेसिकली ये एल्कीन पे ना HX का एडिशन हो रहा है ना। एंड मुझसे बोल रहा है कि यहाँ पर भाई साहब परोक्साइड भी यूज़ है, परोक्साइड। तो ये भी हम देख चुके हैं कि ऐसा होता है तब क्या होता है, ठीक है। एक क्वेश्चन मुझसे और बोल रहा है, ये भी एक साइक्लो एल्कीन पे ना, साइक्लो हेक्सीन पे इस तरीके से मेथिल लगाया हुआ है, एंड HI का एडिशन हो रहा है, तो इसको कंप्लीट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, ये CH3CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, ब्यूट वन इन लिखा हुआ है एंड मेरे पास HBr का एडिशन करना है, ठीक है। अच्छा, फिफ्थ क्वेश्चन मुझसे बोल रहा है इसी का फिफ्थ वाला पार्ट, एल्कीन पर, ठीक है, Br2 की रिएक्शन हो रही है इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4। बेसिकली ये एल्कीन्स पे ना Br2 का एडिशन है, तो वाला पार्ट है ना, बेसिकली ये हम लोग पढ़ते हैं हाइड्रोकार्बन्स में 11th वाले पार्ट में, ठीक है। तो वहाँ से क्वेश्चन है ये, है ना। एक क्वेश्चन हम और देखते हैं, फिर एक एक कल के सबको सॉल्व करेंगे, है ना। सिक्स नंबर मुझसे बोल रहा है कि इस तरीके से मेरे पास एक बेंजीन रिंग है, ये आप देखो, ये बेंजीन रिंग है, ठीक है। एंड मेरे पास देखिए जैसे क्वेश्चन लिखा है ना, सेम टू सेम वैसे ही लिखते हैं हम लोग। ऐसे इसने एच को दिखाया हुआ है एंड ये वाला मुझे पता है कि यहाँ पर CH2 है, यहाँ CH है, कहाँ पर कितने एच हैं, कितने कार्बन है, वो सब मुझे पता है ना। लेकिन जिस तरीके से क्वेश्चन आया हुआ है ना उसी फॉर्म में लिखना इंपॉर्टेंट है। तो HBr के साथ रिएक्शन हो रही है, ठीक है। तो ये कुछ रिएक्शंस है ना, क्वेश्चन जिसको हमें करना है ना। तो जितना हम पढ़े हैं ना उसके बेसिस पर सब कुछ कर सकते हैं। तो आप लोग चाहो तो वीडियो पॉज करके एक बार सभी के आंसर कर लो, फिर हम लोग चेक कर लेंगे, मैच कर लेंगे। सबसे पहले रिएक्शन देखें क्या हो रहा है कि हमने पढ़ा था ना, जब भी मेरे पास अल्कोहल होगा ऐसे ROH, ठीक है, SOCl2 से रिएक्शन होती है, तो क्या होता है ना कि ClOH से रिप्लेस हो जाता है एंड RCl बन जाता है, मेरे पास SO2 गैस निकल जाता है एंड फिर यहाँ से, ठीक है, H2 गैस निकल जाता है। तो सेम ऐसा ही क्या हो जाएगा, आप देखो, अब की बना आर की जगह एक साइक्लोहेक्सेन बनाया हुआ है इसने, ठीक है, ये देखो ऐसे, ठीक है। तो रिएक्शन वही SOCl2, तो देखिए OH वाला पार्ट रिप्लेस होगा Cl से, तो क्या बन जाएगा मेरे पास, इस तरीके से Cl लग जाएगा एंड SO2 एंड H2 गैस निकल जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन। अब देखिए सेकंड वाला, कर चुका है ये हम लोग पहले, क्लास में डिस्कस हो चुका है ये सारी बातें, है ना। सेकंड मुझसे बोल रहा है कि एक एल्कीन बनाया हुआ है, ठीक है, उस पर HBr का एडिशन हो रहा है। हम पढ़ चुके हैं कि HBr के एडिशन से अगर मेरे पास कोई परोक्साइड दिया होता है तो उस वक्त क्या होता है, एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल यूज़ होता है, जिसे हम लोग खरास इफेक्ट भी बोलते हैं, है ना। अच्छा, सिंपल वैसे क्या होता है मार्कोनिक ऑफ रूल में, क्या होता है कि H भाई साहब वहाँ जाता है जहाँ पर हाइड्रोजन पहले से ज़्यादा हो, ठीक है। लेकिन एंटी में क्या होगा, H वहाँ पर जाएगा जहाँ हाइड्रोजन पहले से कम है, ठीक है। मतलब कि H यहाँ पर आने वाला है एंड Br इस कार्बन पे आने वाला है एंड डबल का सिंगल होने वाला है, ठीक है। तो हम ये जानते हैं कि इस तरीके से अगर हम, ठीक है, बना दें, तो आप देखो
सबसे पहले ना आप डबल का सिंगल कर लो, ठीक है, सिंगल हो गया सी एच, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा एच एंड ये सी एच टू, ये आ गया बी आर, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे एंटी मार्कोनी का फुल फॉलो हो गया है ना, एंटी एम के डब्ल्यू रूल, ठीक है, कर चुके हम लोग ये क्लास में पहले भी, है ना। थर्ड क्वेश्चन मुझसे दे रहा है कि आप देखो जरा इसमें एच आई का एडिशन, ठीक है। अब देखिए एच आई के एडिशन से क्या होगा, सिंपल मेरे पास मार्कोनी का रूल फॉलो हो जाएगा, है ना। देखिए जो एल्किन वाला पार्ट है ना उसी पे रिएक्शन होगी, क्योंकि हम जानते हैं कि एल्किन वाले पार्ट पे ही रिएक्शन होने वाला है, ठीक है। तो क्या होगा, सबसे पहले तो डबल का सिंगल हो जाएगा, तो हम डबल का सिंगल कर लें, ठीक है। अब देखो सी एच थ्री, अब देखो आप एच वहाँ पे जाता है जहाँ हाइड्रोजन पहले से ज़्यादा हो, ठीक है। तो अगर आप देखो ना इस स्ट्रक्चर में 1 2 3 4, मतलब एक एच यहाँ पर लगा है, 1 2 3 4 वैलेंसी कंप्लीट है, मतलब यहाँ पर कोई भी एच नहीं है, है ना। तो सिंपल मार्कोनी का रूल में H वहाँ पर जाएगा जहाँ पर हाइड्रोजन पहले से ज़्यादा थे, एंड I वहाँ जाएगा जहाँ पर हाइड्रोजन थे ही नहीं या फिर कम थे, तो इसका मतलब यहाँ से ना I लग जाएगा। तो ये बन गया मेरे पास प्रोडक्ट। नेक्स्ट देखो आप, ये भी क्या है, एल्कीन पे HX का एडिशन, तो सिंपल मार्कोनी का रूल फॉलो हो जाएगा, ठीक है। एंड डबल का सिंगल होता ही हम जानते हैं, तो हो गया सी एच थ्री सी एच टू सी एच। देखो H कहाँ पे जाता है, यहाँ पर आ जाएगा H, यहाँ पर आ जाएगा Br, ठीक है, तो Br एंड CH3, सो 2-bromo-butane हो गया ये। नेक्स्ट देखो आप, देखिए एल्किनों पे ना X2 का एडिशन है, ये नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन मैकेनिज्म यहाँ पे होती है फिलहाल। अब देखिए ये सिंगल बॉन्ड हो गया एंड दोनों साइड से Br लग जाते हैं ऐसे Br, ठीक है। सो 1,2-dibromoethane बन गया, ठीक है, 1,2-dibromoethane, ठीक है ऐसे। और सवाल है मेरे पास, इसको देखो आप, एच बी आर का एडिशन हुआ, सिंपल कुछ भी नहीं है, तो मेरे पास मार्कोनी का रूल फॉलो हो जाएगा, एम के डब्ल्यू रूल, है ना। इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, एच वहाँ पर जहाँ पहले से हाइड्रोजन ज़्यादा है, तो आप देखो मतलब इस कार्बन पे एच आने वाला है एंड इस कार्बन पे बी आर, ठीक है। तो ये बन जाएगा, यहाँ पे लिखते हैं छठे वाले को, तो आप देखना जिस फॉर्म में लिखा है ना वही फॉर्म यूज़ करते हैं हम जानबूझ के, ठीक है। तो अब देखो डबल डबल डबल, ठीक है, तो ये देखिए आप, ये जो कार्बन है सबसे पहले डबल का सिंगल बॉन्ड हो गया, H पहले से था ही, ठीक है, एंड एक Br यहाँ पे आ गया, है ना। CH2 था, एक H और आ गया, मतलब यहाँ CH3, लिखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन हम लिख देते हैं ऐसे, ठीक है। चाहो तो आप ऐसे लिख दो, देखो दो हाइड्रोजन पहले से थे, एक एच ये, एक ये वाला, एक और आ जाएगा, चाहो आप ऐसा लिख दो, ठीक है ना। तो अगर परोक्साइड हो एंड केवल एच बी आर, ठीक है, इसी के साथ क्या होगा, एंटी मार्कोनी का रूल, एंड एच वहाँ पे जाएगा जहाँ हाइड्रोजन पहले से कम थे, ठीक है, एंड बी आर कहाँ पे, जहाँ पर हाइड्रोजन पहले से ज़्यादा थे, ठीक है। तो ये वाला केस बन गया, ठीक है। तो ये सिंपल सा हमने देखा रिएक्शन, कुछ क्वेश्चंस देखे जो कि बेस्ड थे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स पे, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्या कहानी है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तब तक आप इतना कर लो।